हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय चैनल। और आज मैं आपको कराऊंगी अपने घर की सैर। और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, मैंने ये कुर्ती पहनी है और ये स्नो कहाँ से मंगाया था, ये एक सेकेंड मैं भूल गई, हाँ क्लब फैक्ट्री से ये जो मंगाया था वो पहना है, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको कराती हूँ अपने घर की सैर। और ये घर मैंने बड़े प्यार से बड़े मन से सजाया है, इसका एक एक कोना जो मैं पिछले 4-5 सालों से करती आ रही हूँ। तो यहाँ से हमारे घर में अंदर एंट्री होती है, यहाँ से मेन एंट्री तो नहीं है, मेन एंट्रेंस तो यहाँ से है गेट से, यहाँ के बाद वो बरामदा है, फिर ये बरामदा है और फिर यहाँ से हम अपने घर में अपने कमरों के लिए या कहीं के लिए भी ये तन्मय खड़ा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लगाया है, शुभ दीपावली विपिन ने उधर लगा दिया, मैंने इधर लगाने के लिए बोला था। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और देखिए ये गुड्डू क्या कर रही है। मेरे को बनानी है। मैंने कहा आज के दिन बेटा फूल पत्ती कुछ बनाते हैं, ये क्या बना रहे हो, ये अपना ही कुछ बना रहे हैं, सिंचन विंचन। और ये है सबसे पहले रूम, ये पड़ता है जब हम लोग अंदर आते हैं, ये देखिए मैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मंदिर की तरफ, ये मंदिर और ये कैबिनेट, जब इस घर में काम लगा था तब ही ये मैंने कैबिनेट बनाई थी, बनवाई थी। और ये आपने रात भी देखा था, अब रात को फिर यहाँ पे मुझे मंदिर लगाना है। और ये डाइनिंग रखा है मंदिर के जस्ट सामने और एक विंडो इधर है। अभी दिन है तो ये जो छोटी छोटी लाइट्स हैं, हाँ बेटा और ये मेरे सास ससुर हैं, एक विंडो इधर है, इस पे भी मैंने लाइट लगाई है, ये मैं लड़ियां बोलती हूँ इनको, जो लाइट वाली लड़ियां होती हैं। और ये सोफा है, ये मेज, और ये एक इधर, एक इसको मैंने चेंज कर दिया है, पहले ये दूसरे तरीके से रखे हुए थे। और जो मैंने आपको ये मिट्टी के बड़े बड़े पॉट दिखाए थे दो, इनमें अब ये लगा दिए हैं, ये विपिन अपनी पसंद के लाए हैं, ये अच्छा लग रहा है मेरे को। और जो उस दिन पेंटिंग्स दिखाई थी मैंने आपको, वो इस तरीके से लगाई हैं, ये बड़ी वाली तो पहले ही थी, ये दो छोटी थी, ये इधर इधर करके लगाई हैं। और ये बटरफ्लाई और एक ये कुछ जैसे कीरिंग वगैरह कुछ डालने के लिए। और इधर मोर के पंख लगाए हुए हैं क्योंकि लगता है कि छिपकली नहीं आएगी इनसे, बट आ जाती है। और जो ये रखा हुआ है इधर, तो ये भी उसी रूम में था पहले, ये मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि वो बहुत डेकोरेट हो गया इसलिए। और ये देखिए ये बरामदा है, उसके बाद मैंने बताया था आपको अंदर एंट्री करते हैं तो ये रूम आता है, फिर बरामदा और फिर ये रूम आता है। इस बेड की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, ये वाली डाल दी, ये बेडशीट भी मैं बड़े प्यार से बड़े मुझे देखते ही पसंद आ गई थी तो मैंने इसको खरीद लिया था। तो इस बेड पे ये लगाई, ये रूम आप पहले भी देख चुके हैं, मैंने कहा आज जब मैं अपने पूरे घर का करा रही हूँ तो फिर ये भी आना बनता है। एक सेकेंड, ये भी मैंने आपको दिखाई थी छोटी छोटी लाइट्स, ये बंद करके ज़्यादा है ना अच्छी लग रही हैं। वो हमारी शादी की फ़ोटो, ये 3 टेडी बियर, मुझे बड़े पसंद है टेडी बियर्स, और ये फोटोज, और एक ये पॉट था ना जो मिट्टी का, वो मैंने यहाँ रख दिया है। और इसके लिए भी ये फ्लावर भी विपिन ही लाए हैं उसके साथ, रात ही लेके आए हैं इसलिए मैं कल नहीं बना पाई। और वो भी मैंने, वो आपने ये सब सामान नहीं देखा होगा जो वो सामने क्लॉक रखी है, ये मिक्की माउस की, ये कल मंगाई है मैंने उस पर रखने के लिए, बट ये एक्स्ट्रा आ गई थी तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। चलिए फिर अब अंदर की साइड चलते हैं, इसके बाद आती है मेरी किचन, जो कि आपने ये भी आप पहले देख चुके हैं, ये फ्रिज है इधर और ये आप देख ही चुके हैं। किचन के बाद आता है मेरा ये रूम, और इस रूम को भी आप पहले थोड़ा बहुत झलक में देख चुके हैं मेरी वीडियोस में, इस तरीके से ये दीवान बेड रखा हुआ है, इसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें और आनी है, वो धीरे धीरे आ जाएंगी, हो जाएंगी। और हमारे घर का एक रूम या एक कोना या कुछ भी कह लीजिए, वो ऐसा होता है जिसमें हम कुछ चीज़ें इस तरह की रखते ही हैं, ये प्रेस के कपड़े हैं और वो सब, ये पेटी। चलिए अब दूसरे रूम में चलते हैं जिसे मैं गुड्डू का रूम बोलती हूँ, जो आगे चल के पूरी तरीके से गुड्डू का बन जाएगा।
ये है, इस पे मैंने ये वाली बेडशीट लगाई है जो अभी लाइम रोड से मंगाई थी। और ये देखिए, ये बड़ी वाली जो पेंटिंग है कागज की होती है वो लगाई है। इस रूम को बहुत चेंज किया गया है, ये देखिए। ये था जो लाए थे, इसके ऊपर रखने का हम सामान नहीं लाए थे, मैंने आपको बताया था, तो सब आ गया। और इसमें ना लाइट्स चलती हैं, एक सेकेंड, इसमें ना लाइट्स चलती हैं, रात को बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी लाइट्स ना अंधेरों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये सब लेकर आए थे, ये आपको मैंने दिखाया था। इसमें गुड्डू की फोटो लगाई है, जब गुड्डू बहुत छोटी थी, ये अपनी पापा की गोद में है। हम ज्वाला जी गए थे, नौ देवियों पे गए थे, तो तब हम ज्वाला जी में थे उस टाइम। और वो गुड्डू हरकतें कर रही है जो बच्चे बचपन में करते हैं। तन्मय की कोई इस तरह की फोटो नहीं थी जो इसमें लग सके, क्योंकि इसमें इस तरह की फोटो लगानी थी, तन्मय की थोड़ी दूसरे टाइप्स की थी। और एक पेंटिंग ये जो हम लाए थे उस दिन, उसमें की यहाँ पे लगाई है, और ऊपर वो तितलियाँ। अलमारी मैंने इधर रख दी है, मैंने आपको बताया था ना कि इस रूम में मैंने बहुत चेंज किया है, तो अलमारी मैंने इस साइड रख दी है। मैंने ठीक किया ना, क्योंकि वो उधर से इधर की साइड, जब इधर की साइड थी तो अलमारी ज़्यादा दिख नहीं रही थी, और कुछ ना कुछ खाली लग रहा था वो कोना, तो मैंने उसको इस तरीके से भर दिया है। और इधर देखिए, मैंने गुड्डू की टेबल चेयर रख दी है। और ये आप सोचेंगे मैंने इतनी नीचे क्यों लगाई है, इसके पीछे एक दरार आ रही थी जो बहुत गंदी लग रही थी, तो उसको कवर करने के लिए मैंने इसको लगा दी है। इधर भी है, बट मैंने कहा इधर यार पेंटिंग पेंटिंग हो जाएंगी, तो इधर नहीं लगाते, रहने देते हैं। आगे चल के मुझे इस रूम में भी टाइल्स लगवानी है। ये एक पेंटिंग ये थी उनमें की, तो एक इधर लगाई है। ये काफ़ी पुराना है हमारा छोटू सा, ये फ्लावर पॉट भी बहुत पुराना है, और ये ट्रॉली। चलिए अब इस रूम से चलते हैं बाहर। मैं आपको अपने चारों रूम दिखा चुकी हूँ, और ये हमारा बाथरूम है जो इधर होता है। ये देखिए, विपिन ने जुगाड़ लगा के अपना फोन लगाया हुआ है। और इधर हमारा वॉश बेसिन है। इस तरीके से देखिए, किचन, वो दोनों रूम, फिर ये रूम, और फिर ये रूम, और फिर बाहर चले जाते हैं। ये देखिए, पापा बैठी रंगोली बना रहे हैं, और फिर हम चले जाते हैं बाहर। और हाँ, वो जो आपको दिख रहा होगा ना उधर, ये जो हम लाए थे उस दिन, तो इसमें रात को ही दिखाऊंगी मैं आपको, कभी लाइट जला के। तो चलिए, फिर दिखा दिया मैंने आपको अपना पूरा घर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पूरे घर की सैर करा दी है, तो हैप्पी दीपावली आपको और आपके पूरे परिवार को, क्योंकि आज है बड़ी दिवाली। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, घर का कुछ राशन ख़त्म हो चुका है जो हमें लाना है, जो चीज़ें नहीं हैं वो हमें लेके आनी है, और थोड़ा सा मार्केट भी घुमाएंगे और देखते हैं। और उसके अलावा मैं कोई वीडियो शूट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ आज, जब मंदिर वगैरह जाएंगी वहाँ का। मैं खेड़ा दिखाना चाहती थी आपको अपना स्पेशली, वो अगर मैं शूट कर पाई तो। तो चलिए फिर, ये मेरा आशियाना था, मेरे सपनों की दुनिया है ये घर, जो हकीकत है। मुझे बहुत प्यार है अपने घर से, तो सबको होता है देखिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोल ही नहीं पाते, हमें वर्ड्स ही नहीं मिल पाते हैं। मैंने बहुत मन से, कई बार ऐसा होता है कि ये मेरे को शॉपिंग करने के लिए पैसे देते हैं कि जाओ अपने लिए तुम ये लेकर आओ वो लेकर आओ, पर मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ कि मैं अपने लिए नहीं लेकर आती थी, इस घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी, या रख देती थी कि चलो मैं ये चीज़ इस चीज़ में लगाऊंगी, या इस, मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए, जो ऐसा करते हैं, सभी ऐसा करते हैं, सभी अपने घर के बारे में सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो चलिए फिर, बाय बाय।